अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू ट्रक्स प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार का दोस्तों ने। मैंने पहली वीडियो में एक FAW का ट्रक टाइगर VR 110 HP का मैंने इंट्रो करवाया था, जो कि दोस्तों ने काफ़ी हद तक उसको पसंद किया है माशाल्लाह। तो आज हमने एक सेम मॉडल का, कुछ इंफॉर्मेशन बाकी रह गई थी गाड़ी के मुतालिक, वो हम एक कंपनी के इंजीनियर हैं मोहम्मद अमजद साहब, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि गाड़ी के मुतालिक हमें तमाम मालूम फराहम करेंगे। जी आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मोहम्मद अमजद साहब? जी ठीक है, आप खैरियत से? आप ठीक हैं मोहम्मद अमजद साहब? आप हमें इस गाड़ी के मुतालिक, जो फाकी टाइगर VR जो 110 HP है, इसके मुतालिक हमें थोड़ा आगाह करें कि इसका इंजन की क्या ताकत है। 110 HP 16 valve इंजन। 16 valve इंजन की खसूसियत ये है कि 16 valve इंजन है जी। तो इसकी CC कितनी आपने बताई है? 2300 CC। हॉर्स पावर इसकी 110 HP। जी वीवर, आप देख सकते हैं कि इसकी, ये लिखा हुआ है नीचे यूरो 2 इंजन, 110 HP और 16 valve इंजन। जी वीवर, ये देखें 110 HP 16 valve इंजन, तो यूरो 2 इमिशन के साथ है। तो अमजद साहब, इसमें मुझे आप ये बताएं कि इस गाड़ी के साथ जितनी भी और गाड़ी हैं वो कितने 100 CC हैं और उनकी ताकत हॉर्स पावर कितनी है? वो 2800 CC हैं इसी में, और एक 80 HP 2300 CC और 110। और उनके वाल कितने हैं? उनके 8 valve हैं, 4 सिलेंडर और 8 valve, ये 4 सिलेंडर और 16 valve में, 16 valve एक सिलेंडर पे। तो इसमें हमारे व्यूअर्स को बताएं अमजद साहब कि इस गाड़ी के 16 valve होने की खसूसियत क्या है, इसके डीजल के ऊपर कोई असर पड़ता है? जी, इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। तो कंपनी इसकी अपने ब्रोशर पे क्या क्लेम कर रही है? ये आप जो तीन टन लोड के लिए, ये गाड़ी 3 टन लोड पे ये 11 की एवरेज। 3 टन लोड पे व्यूअर देखें 11 की एवरेज, बहुत बड़ी एवरेज है। तो अभी हमें अमजद साहब इस गाड़ी का जो है इंजन दिखाएंगे। चलें जी इंजन इस गाड़ी को देखते हैं। जी व्यूअर, ये आप देखें कि हमें इंजन दिखा रहे हैं। ये सर विचाई कंपनी का इंजन है, ये देख लें व्यूअर, विचाई कंपनी ये इंजन है जनाब। 4 सिलेंडर कॉमन रेल में, 4 सिलेंडर CRDI इंजन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम ये इंजन है। तो अच्छा जी, इसके अभी हमें अमजद साहब इसके अपना ब्रेक के बारे में थोड़ा बताएं सर। सर इसमें ABS ब्रेक है। ABS ब्रेक? जी ABS ब्रेक है। और जो है ना 650 के इसके टायर है, रेडियल टायर है, 650 के रेडियल टायर है। अच्छा जी, इसका हमें आप उसके बारे में बताएं ज़रा, फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक सर 80 लीटर, इसमें 80 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसका डिफरेंशियल ज़रा दिखाएं सर, जो हम लोकल लैंग्वेज में हिस्सा बोलते हैं। ये सर डिफरेंशियल एक्सल ट्यूब है इसकी। ये व्यूअर देखें, इसकी एक्सल ट्यूब डिफरेंशियल जिसे हम बोलते हैं वो है इसका। तो इसके आगे और पीछे इसके लीफ स्प्रिंग दिए गए हैं जी, फ्रंट में लिफ्ट स्प्रिंग भी। अच्छा, शॉक भी दिए गए हैं इसके। आपको ना फीचर्स बताते हैं, फ्यूल एवरेज भी ये गाड़ी जो है ना बताती है। अच्छा, जो आपको अंदर, अच्छा वो कैबन के अंदर फ्यूल एवरेज बताती है इलेक्ट्रॉनिकली। जी व्यूअर्स, हम अब गाड़ी के कैबन के अंदर जा रहे हैं, अमजद साहब हमें गाइड करेंगे, गाड़ी फ्यूल एवरेज भी बताती है। जी तो दोस्तों, हम अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी के कैबन में इस वक्त हम बैठे हैं। ये काफ़ी खुला कैबन है इस गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं कि अमजद साहब और मेरे दरमियान एक बंदा और इजीली बैठ सकता है। 3 बंदों की सीटिंग के लिए ये गाड़ी बेहतरीन है। आप इसके ये डैशबोर्ड को आप देखें, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इसका डैशबोर्ड है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी अमजद साहब, अब आप इसकी फ्यूल इंस्ट्रूमेंट पैनल या मीटर के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्या। जी तो व्यूअर्स, हम आपसे बात कर रहे थे इसके फ्यूल के बारे में। जी अमजद साहब, हमें आप बताइए। ये सर ये पहली जो गेज लगी हुई है ना, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे F, ये इसकी फ्यूल गेज है। अच्छा, फ्यूल बताती है। जी
ये इंजन के आरपीएम, ठीक है, इंजन के आरपीएम बताती है, ठीक है, ठीक है, उसके इस साइड पे है ये आपको किलोमीटर, किलोमीटर जी जी किलोमीटर के साथ ये नीचे गेज दी हुई है, ये आपको टेम्परेचर बताएगी, ठीक है, इंजन का, इंजन का टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर। और सबसे जो अच्छा फीचर इसमें है सर, ये आपको नजर आ रहा है इसमें 0.9 लीटर पर आवर, ठीक है, ये आप जैसे गाड़ी चल रही है ये आपको बताएगी कि ये गाड़ी कितना लीटर कंज्यूम कर रही है। जैसे आप 1.6 लीटर पर आवर अगर इस स्पीड के साथ चलेगी तो इतना लीटर एक घंटे में कंज्यूम करेगी। ओके जी। उसके बाद स्कैनर है हमारे पास, हम मंथली या वीकली जब भी चाहें इसको चेक कर सकते हैं कि गाड़ी ने कितना किलोमीटर सफर तय किया, उसके बाद कितना फ्यूल कंज्यूम किया। मजीद इसके बैटरी और ये एल गेज ये भी शादी हुई है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो मीटर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, और ये गाड़ी आपको कितना फ्यूल इस गाड़ी ने यूज किया है, आप उस फ्यूल के अगेंस्ट कितने किलोमीटर इसने कवर किए हैं, ये सारी चीज़ें ये गाड़ी आपको बता सकती है। ये कंपनी का इंजीनियर ही आपको बताएगा जब आप गाड़ी इसकी माशाल्लाह लेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो उसके बाद ये कंपनी का इंजीनियर विजिट करते हैं मंथली। तो अभी अमजद साहब हमें आप इस गाड़ी की वारंटी के बारे में थोड़ा सा सर प्लीज़ बताइए। 2 साल या 1,20,000 जो भी इसमें से, 2 साल या 1,20,000 किलोमीटर तक। ओके जी, तो कंपनी की कोई स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी किन किन शहरों में पाकिस्तान में? हमारे जो है ना, मैं साउथ पंजाब से हूँ। ओके, मेरा एरिया फैसलाबाद हो गया, बहावलपुर हो गया, मुल्तान, तीन डीलरशिप हमारे पास हैं। उसके बाद सर फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गई, रावलपिंडी हो गई, ये हमारे मेन पॉइंट हैं। बाकी भी हमारे छोटे बहुत सारे सेटअप हैं, यहाँ पे हमने डीलर बिठाए हुए हैं पिशावर में भी। माशाल्लाह, यानी कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं गाड़ी के एक तो ताकत में अच्छी है, इंजन जो है गाड़ी का बाकी गाड़ियों की निस्बत कम सीसी में ज़्यादा ताकत प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि 2300 सीसी का इंजन है और 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है ये इंजन, और 16 वाल्व का इंजन है, ABS ब्रेक है, टर्बो इंटरकूलर है गाड़ी की, माशाल्लाह फ्यूल एवरेज जो कंपनी क्लेम कर रही है। हम जब सब आपने कितनी बताई हमें सर? 11 टन लोड पे। अच्छा, कितने टन लोड पे? 3 टन। 3 टन जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दोस्तों ये आप माशाल्लाह गाड़ी को लें, इसको अपने बिजनेस के लिए आप इसको कोक में, पेप्सी में, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इसको मिल्क टैंकर बना सकते हैं, तो इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ पे है। आप इसको, काफ़ी दोस्तों ने इसको ली हुई हैं गाड़ियाँ पूरे साउथ पंजाब में, गाड़ी माशाल्लाह ये अपने फ्यूल एवरेज की वजह से काफ़ी मशहूर है जी। तो दोस्तों माशाल्लाह ये हमने एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया था एक कंपनी के सर्विस इंजीनियर का, मोहम्मद अमजद साहब का, बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की इंशाल्लाह हम आपको बनाते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।